कि जितने भी युवा अपने यूथ के भाई बहन हैं वो सब आगे बढ़ के हमें देख के साधना जी को देख के आगे आके अपना ब्लड डोनेट ज़रूर करेंगे। आपका ब्लड किसी ना किसी की लाइफ बचा सकता है। ऑक्सीजन प्लांट हम लोग को 6 वीक्स के अंदर अंदर लगवाना था, लेकिन अभी जो कंपनी है वहाँ से 10 डेज का एक्सटेंशन और मांगा गया है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूँ राजेश। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जमुई के सदर अस्पताल में। जमुई सदर अस्पताल का रक्त अधिकोष है, यह ब्लड बैंक है। यहाँ पर आज जमुई की विधायक आई थी और उन्होंने अपना ब्लड यहाँ पर दान किया है, खून दान किया है, रक्तदान किया है। रक्तदान के बारे में बताया जा रहा है कि भाजपा महिला मोर्चा की तरफ से यह शिविर आयोजित किया गया था, इसका आयोजन हुआ था, जिसमें 7 लोगों ने अपना रक्त दान किया है। यहाँ ब्लड बैंक के बारे में आपको हम बता दें कि ये जमुई का ब्लड बैंक है और यहाँ की स्थिति ठीक नहीं है, बदतर स्थिति है। ब्लड का यहाँ पर हमेशा से किल्लत रहा है। अभी भी आपको हम दिखा दें कि यहाँ पर जो ब्लड की स्थिति है वो इस बोर्ड से जाहिर हो रहा है। आप बोर्ड में देख सकते हैं कि किस ग्रुप का कौन सा ब्लड कितना यहाँ पर मौजूद है। तो ब्लड की किल्लत है, इसको पूर्व में भी विधायक आए थे, उन्होंने देखा था, समझा था और उसके बाद यहाँ पर आकर वो अपना ब्लड दी हैं और ब्लड डोनेशन के बाद और लोगों को प्रेरित भी कर रही हैं। हम आपको बता दें कि इसके साथ ही ब्लड डोनेशन के साथ ही विधायक श्रेयसी सिंह ने जमुई स्थित सदर अस्पताल स्थित उस स्थल का भी मुआयना किया जहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगना है। यह ऑक्सीजन प्लांट बताया जा रहा है कि 6 सप्ताह में लग जाना था, लेकिन समय बीत जाने के बाद अब तक स्थल तो चयन हो गया है, सदर अस्पताल की तरफ से वो प्रक्रियाएं पूरी कर दी गई है, लेकिन अब तक प्लांट यहां पर नहीं बैठा है। प्लांट के बारे में भी आपको बता दें कि 500 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन का उत्पादन होगा इस प्लांट में। और बताया जा रहा है कि ये जो आप जगह देख रहे हैं यही वो स्थल है और यहीं पर प्लांट लगना है। और बताया यह जा रहा है कि अगले 5 से 6 सप्ताह में ये प्लांट यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा, उसके बाद जमुई अस्पताल की स्थिति और भी सुधरेगी। कोविड काल के दौरान में भी जमुई अस्पताल का जो परफॉर्मेंस रहा, जो स्थिति यहाँ की रही, मरीजों की रही, वो बेहतर कही जा सकती है। लोगों ने बताया है कि बहुत बुरी स्थिति नहीं थी, कि पेशेंट को परेशान बहुत होना पड़ रहा था, उन्हें ऑक्सीजन सही समय पर मिल जा रहा था, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहाँ पर मौजूद था। तो ये सब विधायक और जो मंत्री सुमित के आने के बाद काफ़ी और भी सुधरा था, लोग संतुष्ट यहाँ पर दिखे थे। अभी आज की स्थिति यह है कि विधायक आई थी यहाँ पर, ब्लड डोनेशन उन्होंने डोनेट अपना किया है और युवा उनको देखकर प्रेरित हो रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं। विधायक ने ब्लड डोनेशन के बाद मीडिया से बात भी की है, क्या कुछ कह रही हैं आप देखिए। हम लोग जिला लेवल पे पूरी तरीके से ऑक्सीजन प्लांट का वेट कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 10 दिनों में ये काम भी शुरू हो जाएगा। कोविड के टाइम में आपने ब्लड डोनेट किया है और जैसा देखा जा रहा है कि अक्सर हॉस्पिटल में ब्लड बैंक में ब्लड की कमियां हैं, यहाँ भी अभी मैं देखा आपके देने के पहले मात्र 3 ही यूनिट थे और एक ही ग्रुप के। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, लोगों से क्या कहेंगे कि भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा ये किया गया, पार्टी ने क्या कहना चाहेंगे आप? डेफिनेटली हम लोगों के पास ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि ब्लड डोनेट करना परफेक्टली हेल्दी काम है। एक हेल्दी इंडिविजुअल को हर 3 महीने में एक बार ज़रूर ब्लड डोनेट करना चाहिए और मेरा खुद ये मकसद आज महिला मोर्चा की टीम के साथ जमुई सदर में आके ब्लड डोनेट करने का यही था कि जमुई की जनता से हम ये अपेक्षा रखते हैं, अपील करते हैं कि जितने भी युवा अपने यूथ के भाई बहन हैं वो सब आगे बढ़ के हमें देख के साधना जी को देख के आगे आके अपना ब्लड डोनेट ज़रूर करेंगे। आपका ब्लड किसी ना किसी की लाइफ बचा सकता है। हम अपने कार्यालय की बात आपको बताते हैं कि अक्सर हमारे पास रात बिरात फ़ोन आता है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें ब्लड की ज़रूरत है। इस
इस समय में हम लोग जब कार्यालय में हम लोग का फ़ोन आता है तो हम लोग अपने सिर्फ कार्यकर्ता भाई बहनों के पास जाके गुजारिश कर पाते हैं कि आप लोग ब्लड डोनेट करने तुरंत पहुँचे। और अधिकतर भाजपा के ऐसे मजबूत कार्यकर्ता हैं जो पहुँचते हैं और ब्लड डोनेट करते हैं और अन्य जान बचाते हैं, लेकिन जम्मू की जनता से ये और बाकी हिंदुस्तान में सुन रहे कहीं भी लोग हैं, भारत में, बिहार में, आप सभी लोगों से ये अपील करते हैं कि प्लीज़ ब्लड डोनेट कीजिए। थैंक यू। आपने इंस्पेक्शन भी किया है, बीआई पैप भी दिया है, ऑक्सीजन प्लांट की बात है, क्या बातें हुई हैं, कितने दिनों में यहाँ से व्यवस्थित हो जाएगा? ऑक्सीजन प्लांट हम लोग को 6 वीक्स के अंदर अंदर लगवाना था, लेकिन अभी जो कंपनी है वहाँ से 10 डेज़ का एक्सटेंशन और मांगा गया है। जमुई सदर अस्पताल पूरी तरीके से अपना काम कर चुके हैं। हम लोग को जो जगह अलॉट करवानी थी, जो ट्रांसफॉर्मर लगवाना था, जो बिजली पोल का काम होना था, वो सभी कार्य हम लोग की तरफ से पूरा है। वेंटिलेटर को लेकर के यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई थी अभी तक कोई कर्मचारी अभी तक पदस्थापित? जी, ये बात सही है कि वेंटिलेटर चलाने के लिए हम लोग को टेक्निकल डॉक्टर्स जिनके पास ये सही टेक्निकल ट्रेनिंग है, और साथ ही साथ एनेस्थेटिस्ट की ज़रूरत है, मिनिमम 2 एनेस्थेटिस्ट की ज़रूरत है। और हम लोगों ने अपनी तरफ से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से ये सूचना तक पहुंचाई थी, यदि कोई ऐसा आदमी है जो आके जमुई सदर में काम करना चाहता है, वेंटिलेटर्स ऑपरेट कर सकते हैं, तो हम लोग उनको बुलाएंगे और एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रखा भी जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुख की बात यह है कि अभी तक कोई भी नहीं आगे आया है, और ये काम इतना टेक्निकली क्रूशियल है कि हम और आप या आम कोई डॉक्टर नहीं कर सकता है। इसके लिए एक सही टेक्निकल ट्रेनिंग और साथ ही साथ एक एनेस्थेटिस्ट की बहुत ज़रूरत है। तो सुना आप, ये थी हमारे साथ जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह, बता रही थी स्थिति यहाँ पर की कैसी है, सवालों का जवाब भी उन्होंने दिया, बताया कि ऑक्सीजन प्लांट 5 से 6 सप्ताह में यहाँ पर लग जाना है, रक्त अधिकोष में जो ब्लड की कमी रहती है उसके लिए वो जितना कर सकती हैं वो कर रही हैं और लोगों को इसके लिए प्रेरित भी कर रही हैं। देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद।